हाँ भाई, तो मैं ये दसो तुसी लाहौर वेख्या नहीं? ले पन होने वे खा देने आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी आसिम राजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर। आने से पहले हम लोग चले गए मंगला डैम। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, ये है मंगला डैम जो कि मौजूद है जम्मू एंड कश्मीर में। सो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं नीचे और आप लोग को मिलवाते चलू मेरे कजन से। ही इज फ्रॉम यूके। व्हाट्स योर नेम? यूसुफ। यूसुफ, डू यू नो उर्दू? मिक्स 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 मिक्स। भाई इनकी उर्दू और पंजाबी जो है वो मिक्स मिक्स है। बर्थ प्लेस वही है ना यूके की? यूके। ही इज अ ब्रिटिश गाय। और मेरी इंग्लिश टूटी फूटी है, उसकी उर्दू टूटी फूटी है, तो मजा आने वाला है जर्नी में। थोड़ी देर हम लोग यहाँ स्टे करेंगे और उसके बाद जो है जाएंगे लाहौर। कैसी लगी प्लेस? ब्यूटीफुल माशाल्लाह। भाई यहाँ पे इस वक्त समंदरी लहरें भी आ गई हैं, देखो। और अभी जो है हम लोग गेम खेल रहे थे पत्थर वाला, कि कितने टाइम्स जो है वो टप्पा खा के या टिप्पा खा के जो है जाता है। ओके, नाउ ट्राई इट। भाई देखते हैं कि किसका जो है टप्पा खा के जाता है। पहले क्या है, टू टाइम्स। रावलपिंडी से मंगला डैम सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे। मंगला डैम जाओ और कश्ती में ना बैठो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी पोर्ट में बैठने और घूमेंगे पूरा मंगला डैम। यार इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। 40 की स्पीड पे जा रही है, ज्यादा तेज नहीं है बट फिर भी तेज लग रही है। पानी पे 40 की स्पीड तेज लग रही है। भाई बोट वगैरह पे भी हमने एंजॉय कर लिया और अब चलते हैं लाहौर की तरफ। तो भाई अगर आप रावलपिंडी से लाहौर जा रहे हो और गुजरात में रुक के आप लोगों ने चाय खाना, गुजरात में नाश्ता नहीं किया तो क्या किया? गुजरात में बहुत ही लजीज नाश्ता करने के बाद हम लोग चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ और चंद ही घंटों में हम लोग पहुंच गए लाहौर। लाहौर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपने यूके वाले कजन्स को अलविदा कह दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर अलविदा कहना ही था तो उनके साथ मैं आया क्यों? बेसिकली लाहौर मुझे आना था अपने कुछ पर्सनल काम के लिए, तो यूके से जो कजन्स आए थे उन्होंने कहा क्यों ना हमारे साथ चल लो, हम लोगों ने भी जाना है, इसलिए मैं उन लोग के साथ आ गया लाहौर। बट लाहौर आते ही उनको मैंने छोड़ दिया लग्जरी ग्रैंड होटल के बाद मैं आ गया अपने लाहौरी कजन के पास। यार भाई ये जो आप लोगों ने व्लॉग देखा है आज का, ये व्लॉग इतनी मुश्किल से बना है, जगह जगह शूट किया था, दिल कुछ भी नहीं कर रहा था इसे बंद करो, दिल कुछ भी नहीं कर रहा था, बट फिर भी आप लोग के लिए व्लॉग शूट किया है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वक्त मार्च देख रहे हैं कि मैं किस तरह अलग अलग क्लिप्स बना रहा हूँ और मीनार पाकिस्तान आके बैठ के बता रहा हूँ कि हम लोग लाहौर जा रहे हैं, हम लोग मंगला डैम जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घर। हम लोग घर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे पहले भी जानते होंगे। और इस वक्त हम लोग मौजूद है मीनार पाकिस्तान।
अच्छा भाई लाहौर जिस काम के लिए आया था मेरा वो काम तो हुआ नहीं, तो मैंने हो जाएगा वो नहीं होना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को लाहौर दिखा दिया जाए। ये लाहौर जी जी ये वो सामने यही लाहौर यही है यही ये लाहौर है यार ये सारा लाहौर ये मीनार पाकिस्तान है। मीनार पाकिस्तान के बारे में जो है हमें हिस्ट्री बताने जाएंगे माज भाई। जी माज भाई इसको मीनार पाकिस्तान कहते हैं और बस 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 अच्छा भाई मीनार पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को डिटेल्स नहीं पता होगी और काफ़ी लोगों को पता होगी, जैसे मुझे जो है आइडिया नहीं था या जहन से निकल गया था कि भाई ये बना कब है और ये क्यों बना था, तो इसके बारे में इन अ सीरियस मोड बता यार। ये 23 मार्च 1940 को करारदार पाकिस्तान हुई थी, इस जगह के ऊपर आके खुतबा हुआ था और बयान दिया था कि पाकिस्तान आज़ाद किया जाएगा कायदे आज़म ने और काफ़ी लोगों ने मौलाना शौकत अली जो भी सारे थे उसकी याद के अंदर जब यहाँ के ऊपर सारा तमाम खुतबा हुआ और सारे जो उन्होंने बैठ के मीटिंग शीटिंग की कि इंडिया से हम पाकिस्तान को अलग करेंगे, ये वो जगह है जहाँ पे हम मैंने मीनार पाकिस्तान खड़ा करवाया। यार अभी मीनार पाकिस्तान से हम लोगों ने जाना था बादशाही मस्जिद घूमने के लिए, आप लोगों को बादशाही मस्जिद और वो चीज़ें दिखानी थी, पर उससे पहले हम लोग मोबाइल मार्केट गए थे, पावर बैंक वगैरह मैंने लिया था कोई 4-5 हज़ार का सामान मेरा था और इसने एयरपोर्ट्स वगैरह लिए थे तो 4 हज़ार के एयरपोर्ट्स थे मास्क के, तो अभी हमें नहीं पता हमारा शॉपर कहाँ गया है। दुआ करें बाइक के साथ लटका हो वरना मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म कर दूँगा। मिल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखा इसको यार ये देख यार ये देखो ये मोबाइल कवर था, ये पावर बैंक था जो कि मैंने अभी लिया है, ये भी एयरबड्स, ये एयरबड्स लिए, ये चार्जर लीड है, शुक्र अल्लाह पाक का। यकीन माने अभी मतलब हार्ट बीट ना तेज हो गई थी जब अभी 5000 रुपए का तो खाली पावर जब नई नई चीज लो ना 4000 के एयरबड्स 11-10 हज़ार रुपए ठोकने लगा था, अभी हलाल का पैसा कहीं नहीं जाता, नहीं जाता कहीं नहीं जाता, ये बात आजमा लो जान में जा रही कसम से मैं ये ब्लॉग खत्म करने लगा था, वैसे ही एक तो अपसेट था ऊपर से चीज चोरी होगी, अब हम फिर जा रहे हैं अब आप लोग को अब आपको दिखाएंगे। गाइस तो फोर्ट्रेस से निकलने के बाद अगली ही सुबह हम लोग निकल पड़े रावलपिंडी। ओके गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच गए लाहौर स्टेशन, सामान वगैरह हमारे पास है। कैसे आप करम मालिक, क्या अंदर से क्या फीलिंग्स क्या हैं आपकी अभी फर्स्ट टाइम यहाँ आने रावलपिंडी? बहुत मज़ा आ रहा है। भाई औरत बच गया लेकिन ये हमारी ट्रेन नहीं है, हमारी ट्रेन जो है तकरीबन कोई 9:15 हो गए हैं, 9:30 बजे तक आ जाएगी, 3 घंटे लेट है, 7:15 आनी थी बट लेट थी, हम लोगों ने ऑनलाइन चेक कर लिया था। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप लोग घर बैठे पाकिस्तान रेलवे ऐप से ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपकी ट्रेन कहाँ पर है, तो बस आ रही है 10 मिनट के अंदर आ जाएगी, तो आप इतने इंतज़ार करते पे तो और की करते पे की करते पे सी क्या दुकान ऐसी की करते पे असी बह के इंतजार करते पे हाँ क्या रेल कार का ट्रेन में बैठते ही जो है हमें और माज आपस में बिछड़ गए, हम लोग का डब्बा एक ही है बट हमें जो है ना सीट अलग अलग मिली। अभी माज मुझसे कितने दूर है आप लोग खुद देखो, माज देख ही नहीं रहे यार वो अपना मस्त हुआ हुआ है,
अभी तकरीबन जो है 2 से 3 घंटे का रास्ता हो रहा है, ऐसे ऊपर लेटे लेटे गुजार देंगे और फिर पहुंचेंगे अपने शहर रावलपिंडी। ओके गाइस, तो फाइनली जो है हम लोग गांव पहुंच गए हैं अपने घर। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा लाहौर का, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग को भी मज़ा आया होगा उम्मीद है। और अभी जो है बाइक गिरने लगी थी, तो अभी हम ओए इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखें अपना ख्याल, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।